नासिक का आईटी पार्क बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करेगा। साथियों, आज हमारा नासिक डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा केंद्र भी बन रहा है। नासिक में लड़ाकू विमान और सुरक्षा उपकरण नासिक में बनाए जा रहे हैं। आज नासिक के हर व्यक्ति को इस बात का गर्व भी है कि उनका ये नासिक, उनका ये शहर सशक्त भारत में इतनी अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ एक कांग्रेस और अगाड़ी वाले लोग भी है, ये देश को पीछे करने का, देश को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इन लोगों ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में देश को पीछे करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। इन्होंने एचएएल को लेकर तरह तरह के झूठ फैलाए, विवाद खड़े करने की कोशिश की, इन्होंने फैक्ट्रियों के बाहर धरना प्रदर्शन करवाए, कर्मचारियों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन आज वही एचएएल रिकॉर्ड मुनाफे वाली कंपनी बनकर उभरी है। जब नीतियां स्पष्ट होती है, नीयत साफ होती है, तो अच्छे परिणाम भी मेरे नासिक के भाई बहन देख रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की ताकत बन रही है। साथियों, कांग्रेस और इसके साथियों को न बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की परवाह है, न कोर्ट की और न ही देश की भावना की। ये सिर्फ दिखावे के लिए जेब में खाली पन्नों वाले संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। कल आपने देखा, उनकी पोल खुल गई। जब संविधान की रक्षा की बात आती है, जब संविधान के सम्मान की बात आती है, ये उल्टा ही काम करते हैं। ये कांग्रेस वाले ऐसे हैं, 75 साल तक जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को लागू नहीं होने दिया। 75 साल तक देश में एक संविधान नहीं था, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था, वो बाबा साहब आंबेडकर वाला नहीं था। और ये पाप कांग्रेस का था। कांग्रेस ने आर्टिकल 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि बाबा साहब आंबेडकर का संविधान वहां घुस ही नहीं सकता था। भाजपा एनडीए ने आर्टिकल 370 को हटाया और एक देश एक संविधान लागू किया। और मेरी बाबा साहब आंबेडकर को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। जब भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, पूरा देश झूम उठा था, नाच उठा था।
मैं जरा मेरे नासिक के लोगों को पूछना चाहता हूं, नासिक के लोग बताइए, क्या आर्टिकल 370 हटने से आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? जरा जोर से बताइए, खुशी हुई कि नहीं हुई? ये कांग्रेस वालों के कान फट जाए से बोलिए, खुशी हुई कि नहीं हुई? आपको खुशी हुई, लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों के पेट में चूहे दौड़ने लग गए, उनको दर्द हो गया। आपने टीवी पे देखा होगा,